हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 4 गणित का शीतकालीन गृह कार्य हल करेंगे। दिनांक 13 जनवरी 2021 बुधवार को आप जो गृह कार्य करेंगे उसमें गतिविधि 1, अपनी ऑनलाइन कक्षाओं में सीखे गए पैटर्न डिज़ाइन का उपयोग करके अपने माता पिता के लिए धन्यवाद कार्ड बनाएं। तो बच्चों, आपको विभिन्न तरह के पैटर्न का प्रयोग करते हुए एक ग्रीटिंग कार्ड बनाना है अपने माता पिता के लिए, और उस पर लिखना है थैंक यू मॉम एंड डैड, धन्यवाद मम्मी पापा, या फिर आप लिख सकते हैं थैंक यू मम्मी पापा। आपको उस पर तरह तरह के पैटर्न जो भी आपने सीखे हैं वो बनाने हैं। आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ पर कुछ चित्र लगा दिए हैं जिन्हें देखकर आप आसानी से ग्रीटिंग कार्ड बना सकेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। गतिविधि 2, क्या आप कागज से अपनी पेंसिल को उठाए बिना 4 सीधी रेखाओं के साथ 9 बिंदुओं को जोड़ सकते हैं। तो लिखेंगे हाँ। आप किसी भी लाइन पर 2 बार नहीं जा सकते, तो यहाँ पर आपको पेंसिल को उठाए बिना केवल 4 सीधी रेखाओं के साथ इन 9 बिंदुओं को जोड़ना है। आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ पर एक वीडियो बनाई है जिसे देखकर आप इन 9 बिंदुओं को 4 सीधी रेखाओं से जोड़ना आसानी से सीख जाएंगे और ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे। तो चलिए वीडियो देखते हैं। चलिए 9 बिंदुओं को बिना पेंसिल उठाए 4 सीधी रेखाओं से जोड़ना सीखें। वीडियो देखने के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। गतिविधि 3, निम्नलिखित चार्ट के अनुसार स्वयं को स्कोर करें। आप यहां देख सकते हैं कि एक तालिका दी गई है जिसमें स्कोर 1, 2, 3, बारंबारता कभी नहीं के लिए 1, कभी कभी के लिए 2, हमेशा के लिए 3। तारे भी एक है तो 1 देना है, 2 है तो 2 देने हैं, 3 है तो 3 देने हैं। अब आप नीचे दी गई क्रियाओं को पढ़ेंगे और स्वयं को स्कोर देंगे। आपकी सुविधा के लिए मैंने स्वयं को कुछ स्कोर देने की कोशिश की है, जैसे पहली क्रिया चीज़ों को व्यर्थ ना करना, तो इसमें मैंने स्वयं को स्कोर दिया है 3 हमेशा। दूसरा आत्म संयम, तो इसमें भी मैंने अपने आप को स्कोर दिया है 3 हमेशा। तीसरा दूसरों के प्रति सहानुभूति, तो इसमें स्कोर दिया है 3 हमेशा। अगर आप कभी कभी सहानुभूति दिखाते हैं तो 2 स्कोर देंगे, और कभी नहीं दिखाते तो 1 स्कोर देंगे। चौथा पढ़ाई व खेल में संतुलन, तो इसमें स्कोर दिया है मैंने स्वयं को 1, कभी नहीं, मैं पढ़ाई और खेल में संतुलन नहीं कर पाता, इसलिए मैंने अपने आप को 1 स्कोर दिया है। पांचवा जिम्मेदारी लेना, इसमें मैंने स्वयं को 3 स्कोर दिया है। छठा दूसरों को खुश रखना, तो इसमें मैंने स्वयं को स्कोर दिया है 2। सातवा प्रकृति के लिए प्रेम, तो इसमें मैंने स्वयं को स्कोर दिया है 3 हमेशा, प्रकृति के लिए प्रेम दिखाता हूँ। आठवां पानी बचाओ, इसके लिए 3 स्कोर दिया है, हमेशा पानी बचाने का प्रयास करता हूँ। नौवां प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल ना करना, हमेशा मैं
प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल नहीं करता हूँ हमेशा, तो 3 स्कोर दिया है। 10वां, जानवरों के लिए सहानुभूति, हमेशा मैं जानवरों के प्रति हमेशा सहानुभूति दिखाता हूँ। चलिए अब अपना स्कोर काउंट करता हूँ। तो आप देखते हैं, पहले क्रिया में 3 स्कोर था, दूसरी क्रिया में 3 स्कोर, तीसरी क्रिया में 3 स्कोर, चौथी में 1, पांचवी क्रिया में 3 स्कोर, छठी क्रिया में 2 स्कोर, सातवीं क्रिया में 3 स्कोर, आठवीं क्रिया में 3 स्कोर, नौवीं क्रिया में 3 स्कोर, दसवीं क्रिया में 3 स्कोर। अब इनको कुल जोड़ेंगे तो मेरा कुल स्कोर हुआ 27। तो आपने कितने तारे एकत्रित किए? 27 तारे। तो बच्चों, आज का गृह कार्य यहाँ समाप्त होता है। आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।